जब भी श्री कृष्ण की बात होती है तो उनके साथ राधा का जिक्र जरूर होता है और ये पूरी दुनिया जानती है कि कृष्ण की राधा और राधा के हैं कृष्ण भगवान। सारे जगत में राधा कृष्ण के इस पावन और पवित्र रिश्ते को जाना जाता है। अगर आप किसी से भी यह प्रश्न करें कि राधा कौन थी, तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब मिलेगा कि वो तो श्री कृष्ण की सखी या फिर प्रेमिका थी। लेकिन इसके अलावा राधा कौन थी, कहाँ से आई थी, उनके जीवन के बाकी पहलुओं के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज हम आपको सामने इस खबर से द्वारा राधा जी के जन्म से जुड़ी कुछ ऐसे तथ्यों को बताएंगे जिससे कि तकरीबन हर कोई अनजान होगा। जबकि देखा जाए तो राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये एक सवाल है जिसकी सटीक जानकारी हमें ब्रह्म व्यवर्त पुराण में मिलती है। और आपको बता दें कि इस महान ग्रंथ के मुताबिक भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ और इसी दिन को आज भी राधा अष्टमी के रूप से मनाया जाता है। जबकि माना जाता है कि इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण के प्रियसी राधा का जन्म हुआ था। लेकिन राधा के जन्म की कहानी साधारण नहीं बल्कि ये एक चमत्कारी है और एक रहस्य बनी हुई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी थी। जी हाँ, मतलब उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में दर्ज राधा के जन्म से जुड़े एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। और एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इस बात की जैसे ही सूचना मिली तो वो गोलोक लौट आई और उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को गुस्से में देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। लेकिन राधा का ये गुस्सा श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को गवारा ना हुआ। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और उन्होंने अपमानित किया। इससे देवी राधा को भी गुस्सा आ गई और क्रोधावस्था में श्री दामा को यह शाप दिया कि अगले जन्म में वो एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। उसी समय श्री दामा ने भी गुस्से में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक एक असुर बना और देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था बल्कि कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दे दिया उसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त राधा के पास आए और उनसे कहा कि आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। वे आगे बोले, आपको गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायाड़ नाम के एक वैश्य से होगा और सांस्कारिक तौर पर तुम रायाड़ की पत्नी कहलाओगी। रायाड़ मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिय बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा विचोर रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश बिल्कुल नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और गौ माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के समय के साथ ही वहां राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई, इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा आयो निजा थी। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।